हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास सर और आज इस वीडियो सेशन से मैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, तो आज इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों को दिया गया है हर सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और थर्ड सेमेस्टर हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के ब्रांच के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर है, क्योंकि जितना भी बेसिक सब्जेक्ट है वो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। जैसे मान लो अभी आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका एडवांस वर्जन जो है, या कह सकते हो इसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वो आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर्स पढ़ना है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन वन के भी नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन वन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन टू पढ़ाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल मशीन वन यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ेगा उसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे जब आप लोगों को वापस से इलेक्ट्रिकल मशीन टू पढ़ाया जाएगा तो आपको हर एक टॉपिक इजी लगेगा। लेकिन वहीं पे जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ेगा उसका बेसिक हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन टू जो पढ़ना है वो आपको समझ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप जैसे तैसे सेमेस्टर तो पास कर लोगे लेकिन आपका ना तो नॉलेज बढ़ेगा और ना ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ये तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप अपने सीनियर से ज़रूर बात करो। ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला है। 3 साल डिप्लोमा कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ओब्वियसली आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो या ट्राई करते हो कि किसी भी तरीके से आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो जाए, तो उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब होता है उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको क्वालिफाई करना होता है और उस एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट तो सेमेस्टर तो हमारा टारगेट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसी सेमेस्टर के पढ़ाई में आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करते रहूंगा जो आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट से पूछेगा, बट वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप रट के यानी कि याद करके बहुत कुछ खास आप अपने जीवन में नहीं कर पाओगे, तो इस सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, इनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजी पूछे जाते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कभी कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ता है क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाया फिराया जाए उससे बचता नहीं है, यानी कि वो स्टूडेंट ईजिली उस क्वेश्चन को करके आता है। लेकिन जो स्टूडेंट सब्जेक्ट रट के जाते हैं ज़बरदस्ती का याद कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रट लिए हैं उनसे एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है। तो आपको सोचना है कि आपको जीवन में क्या करना है और उसके लिए कैसे पढ़ाई करना है। देखो ये सब्जेक्ट तो है ही इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ और भी बाकी का जो सब्जेक्ट है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हर एक सब्जेक्ट में मिलता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक दो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए तो 6 सेमेस्टर तक जितना भी सब्जेक्ट पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक सर्किट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बाकी का सारा सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके क्यूरियोसिटी के लिए, आपके जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आपका पढ़ाई का स्ट्रेटजी, मतलब क्या आपका पढ़ाई का स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे कम पढ़ाई करके आप जल्दी सक्सेस हो जाएं, इसके लिए सारे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और आप ही को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का कैरियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सब्जेक्ट है पावर जनरेशन, ठीक है। पावर जनरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो स्टार्ट ही होता है पावर जनरेशन से। तो पावर जनरेशन से भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे थे, जिसका नाम सर्किट थ्योरी भी है, उस सब्जेक्ट से भी भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को मेजरमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, वो भी सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, वो भी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वो जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो स्ट्रॉन्ग करना आप लोग को इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी चेन में चलता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है। हालांकि आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया गया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दे दिया गया है पढ़ने के लिए, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो कि सिलेबस में नहीं है, बट फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप लोग का कोर सब्जेक्ट है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप कैसे पढ़ोगे। तो ओवरऑल मेरे बोलने का यही मतलब है कि थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब मन लगा के पढ़िए। और मन तभी लगेगा पढ़ाई में जब आप खुद से मेहनत करते हो, और टीचर जो है वो आपके साथ मेहनत करता है, पूरे कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाता है। तो हमारे तरफ से कोशिश बहुत अच्छा होने वाला है, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ कोशिश करो तो आपको एक दिन अच्छा सा बहुत जल्दी से सक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ अवेयरनेस की बातें थी जिसको बताना आप लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य भी बनता है आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना। देखो ये जो आप लोग का सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर, इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को डीसी जनरेटर पढ़ना है, जो कि आज इस वीडियो सेशन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को डीसी जनरेटर पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को डीसी मोटर पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में 5th यूनिट में स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ना है। टोटल इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट आज इस वीडियो लेक्चर से शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डीसी जनरेटर। तो चलिए हम लोग डीसी जनरेटर से पहले, डीसी जनरेटर पे आने से पहले कुछ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं, या ओवरऑल बोल सकते हो कि कुछ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जानते हैं, कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। बेसिक से जितना पढ़ना शुरू करोगे उतना मज़ा आएगा, बीच से कहीं से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप लोगों का ब्रांच जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपसे सपोर्ट डेट किसी ने पूछ दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच क्या है, तो आपने बोला कि भैया मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो सामने वाले ने पूछ दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, जीवन भर याद रखो, ज़्यादा अच्छा है। हमने लिखा है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होगा यहाँ पे, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। इलेक्ट्रिकल इनर्जी आप लोग जानते हो,
विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। आज के डेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ ही रहे हो आप लोग, हम लोग भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिन भर यूज कर रहे हैं, उससे बहुत सारा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बहुत सारा काम ले रहे हैं हम लोग। अपने घर में जो मोटर है उसको चला रहे हैं, जो फैन है उसको चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी सामान है, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे घर में यूज हो रहे हैं, सबको ऑपरेट करने के लिए हम लोग किस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। जैसे बाइक को चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, फ्यूल से उसको एनर्जी मिलता है, जो पेट्रोल डीजल हम लोग बाइक कार में भराते हैं उससे उसको एनर्जी मिलता है। वैसे ही ये जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी घर में अप्लायंसेज लगे हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, और इनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो लाइट सोर्स हैं, फैंस हैं, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, कंप्यूटर है, दीज ऑल गैजेट्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसी से मिल रहा है। अब देखो तो क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है, ठीक है, किसका? इंजीनियरिंग का, जिस जो डील करता है जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होता है, जनरेशन मतलब उत्पत्ति करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। आप लोगों को भी पता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये हमारे घरों में नहीं बन रहा है, ठीक है, और ना ही ये पेड़ पे फटता है। तो भैया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ कहाँ से रहा है? तो पावर प्लांट से आ रहा है। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसका जनरेशन होता है। कहाँ पे? तो पावर प्लांट में। पावर प्लांट वगैरह के बारे में पावर जनरेशन सब्जेक्ट में सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जनरेशन हो रहा है, ठीक है, जनरेशन को डील करता है। ट्रांसमिशन, जैसे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है तो पावर प्लांट हमारे घर से काफ़ी दूर होता है, तो वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके शहर तक, गाँव तक भेजा जाता है। तो ट्रांसमिशन को डील करता है कौन भाई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन, आपके शहर तक या गांव तक जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तो उसको बांटना होता है, अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग कस्टमर्स हैं, सबको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, ठीक है, तो सब में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब होता है उपयोग करना। जब यूजर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुँच जाता है तो उसको यूज करता है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तो उसको अलग अलग उससे काम लेते हैं, उससे अलग अलग हम काम कराते हैं। तो ओवरऑल एक लाइन में बस याद रखो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का वो शाखा है, वो ब्रांच है जो डील करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन को, उत्पत्ति को, ट्रांसमिशन को मतलब भेजने को, डिस्ट्रीब्यूशन को यानी कि बांटने को, और यूटिलाइजेशन को यानी कि यूज करने को। चार वर्ड याद रखना है, और एक पांचवा वर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना है। चार वर्ड वो कौन कौन सा है बोलो मेरे संग? जय हो जय हो नहीं बोलना है, बोलो मेरे संग। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार इधर से वर्ड हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या बोलो हाँ बोलना सीखो, ठीक है, ऐसा फील करो कि हाँ हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, हम सामने बैठे हुए हैं, सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो मज़ा आएगा, ठीक है। आप जितना पढ़ाई में डूबोगे वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपका काम हम नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है यहाँ से फुल एनर्जी आपको देना, आप कितने एनर्जी से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अकेले नहीं होता है, ये पढ़ाई लिखाई टू वे होता है, कोई पढ़ा रहा है तो किसी को पढ़ना भी पड़ता है उसी लगन से, ठीक है। चलिए तो हमने बोला कि चार वर्ड याद रखना है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, और पांचवा वर्ड याद रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही है पूरा अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इन्हीं चार वर्डों में समाहित है, ठीक है, इसके बाहर हम लोग कुछ नहीं बात करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पेपर आगे के सेमेस्टर में मिलेगा जो कि बाहर जाएंगे, नहीं तो इन्हीं चार वर्ड में पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग समाहित है। बहुत ही प्यारा सा ब्रांच है, हम लोग दुनिया को एनर्जी दे रहे हैं, बहुत सारा टाइप्स का एनर्जी सोर्स होता है, आगे के क्लासेज में बताएंगे। जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई आज के डेट में एनर्जी सोर्स है तो वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अलग अलग सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है,
जानते हो आप लोग, ठीक है, रोशनी से मतलब लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस किया जा रहा है, बहुत सारे तरीके से एनर्जी उत्पन्न किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको आगे के क्लासेज में डील करेंगे। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रहेगा, किसका भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आगे के पॉइंट में हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी कॉमा लाइट हीट इटीसी। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टाइप का एनर्जी है, एक तरह का ऊर्जा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक तरह का ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा जिसको बोलते हैं, और इस ऊर्जा को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाने के लिए। हमारे घर में ये जो पंखा लगा हुआ है ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, वॉशिंग मशीन है एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो? ठीक है, कोई आपके घर के आसपास कल कारखाना होगा, कुछ नहीं तो चक्की मिल तो ज़रूर होगा, तो उसको भी चलाने के लिए उसका जो ग्राइंडिंग मिल होता है वहाँ पर मोटर यूज होता है, वो मोटर किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। लाइन कट जाएगा तो वो क्या चलेगा क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दिया जाएगा तो क्या चलेगा क्या? तो कहोगे कि नहीं चलेगा सर, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे घर में जो पंखा है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, किससे चार्ज कर रहे हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हो, लाइट जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हर एक काम के लिए, इवन मैकेनिकल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आप किसको यूज करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हो। तो इस पॉइंट में यही समझाया गया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक टाइप का एनर्जी है जिससे बहुत सारा काम किया जाता है, जिसको अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। तो आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इतना इम्पोर्टेंस है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कितना इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, आप अपना इम्पोर्टेंस भी समझिए। ठीक है, आपका भी बहुत इम्पोर्टेंस है इस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में आने के लिए, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इंजीनियरिंग जितने बच्चे पढ़ेंगे हमारा टेक्नोलॉजी उतना आगे जाएगा, और हम लोग का भी काम होता है, मतलब जितने भी स्टूडेंट टीचर्स हैं उनका भी काम है कि जो नॉलेज है उसको नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, आप लोग भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा योगदान दोगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है, जब अपने आप को काबिल बनाने का सोचोगे पैसा आएगा पीछे। ठीक है, पैसा आएगा बट काबिल बनने का सोचो। चलो आते हैं यहाँ पे, अब हम बात करने जा रहे हैं मशीन के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। मशीन क्या होता है? थ्री इडियट्स मूवी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आमिर खान से पूछा गया था, उनके प्रोफेसर ने पूछा था मशीन क्या होता है, तो एक लाइन में बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था उसने कि भैया मशीन वो डिवाइस है जो कि आदमी के काम को आसान कर दे। सही है, तो इसमें गलत क्या है? मशीन तो यही काम करता है ना, आदमी के काम को आसान कर देता है। कोई भी चीज़ जो आदमी के काम को आसान करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। फिर उसके टीचर ने बोला था कि यही एग्जाम में लिखोगे क्या? ठीक है, अच्छे से बताओ। तो उसके बाद जो डेफिनेशन उसने बताया था वो मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं याद है। चलो ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे मशीन का डेफिनेशन क्या लिखे हैं, कुछ वैसा ही है। ठीक है, एनी थिंग विच रिड्यूसेज द ह्यूमन एफर्ट एंड सेव द टाइम इज कॉल्ड मशीन। कोई भी चीज़ जो आदमी के एफर्ट को यानी कि काम को रिड्यूस कर दे, मतलब आसान कर दे, एंड सेव द टाइम, टाइम भी बचाए। कोई भी चीज़ जो आदमी के काम को क्या कर दे? आसान कर दे और हमारा टाइम भी बचाए, आदमी के टाइम को बचा लेता है। तो वैसे मशीन को हम लोग, चाहे वैसे चीज़ को हम लोग मशीन बोलते हैं। कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे और हमारा समय बचाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन, पंखा, जानते हो हवा फेंकने का काम करता है, गर्मी के दिन में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। आपके घर में लाइन नहीं है, हैंड फैन ऐसे हाँकते रहो, रात को नींद आ रहा है, कितना देर हाँकोगे? या तो हाँकोगे नहीं तो सोओगे। हाँकोगे मतलब समझ रहे हो, वी आर बिहारी तो जान ही रहे हो, हमारा कुछ कुछ स्पेशल वर्ड होता है। बाहर के बच्चे जो देख रहे होंगे हमारा वीडियो, प्लीज समझ जाना, कुछ कुछ ऐसा वर्ड मिलते रहेगा। फिर बाइक्स है, आपका काम आसान करता है या टाइम को रिड्यूस करता है? बिल्कुल करता है। आप पैदल कहीं जाओ 10 किलोमीटर, नहीं जा पाओगे, थक जाओगे या बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप बाइक से जाते हो। ठीक है, बाइक से जाते हो, आप अपना एक बुलेट ले लो,
रॉयल इनफील्ड, उससे जाओ तो वो क्या करेगा, टाइम बचा देगा, साथ ही साथ आपका काम भी आसान करेगा, आपको थकान भी नहीं होगा। कार है, मोबाइल्स है, पेन है, कंप्यूटर है, ETC है, बहुत सारे मशीन्स हैं, ये सब मशीन है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आदमी के काम को आसान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा समय भी बचा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि हमारा फाइनली जो मोटो है वो तो घूम फिर के इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं भाई, हमारा दुनिया है यही। तो चलिए हम लोग अब इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करते हैं। हमने लिखा है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा यहाँ पे देख लोगे, इन है, इनटू कर लोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन वो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मशीन वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा। सपोज डेट ये कोई मोटर है, ठीक है, आपके घरों में भी मोटर लगा हुआ होगा, कुछ नहीं तो फैन तो लगा हुआ है ना, फैन इज द टाइप ऑफ मोटर। आगे के क्लासेज में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि फैन के अंदर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ होता है, और इसका पूरा डिटेल स्टडी फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को करना भी है, इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब देखो फिलहाल अभी समझो कि जो फैन है वो एक तरह का मोटर है। अच्छा, मोटर करता क्या है, यानी कि ये पंखा करता क्या है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि हमारे घर में ये जो फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये जो फैन लगा हुआ ऐसा कुछ इसका डायना ऐसा निकला हुआ रहता है, जानते हो आप लोग, अच्छा फिगर नहीं है बट समझने के लिए बस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और बदले में हम लोग को क्या देता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी देता है। ये जो घूमता है पंखा गोल गोल, यही आपका मैकेनिकल एनर्जी है। कहीं पे भी कान में मैकेनिकल एनर्जी जाए, मैकेनिकल एनर्जी वर्ड जाए, तो आपको समझ लेना है रोटेशन, सिंपली क्या है, रोटेशन। जैसे मान लो ये हमारा ऐसे घूम रहा है पेन, तो ये ही मैकेनिकल एनर्जी है, इसका रोटेशन ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो पंखा को इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो गोल गोल घूमना शुरू करता है, और गोल गोल घूमने से चूंकि उसके इसमें फैन लगा हुआ रहता है, डैना लगा हुआ रहता है, तो ये हवा को कट करके नीचे फेंकता है, जिससे हमारे शरीर को हवा मिलता है। तो ये जो मोटर है, ये मोटर किया क्या, ठीक है, इस मोटर ने क्या किया, क्या किया बताओ आप, इसको इनपुट हम लोग दिए क्या भाई, तो इनपुट दिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हम लोगों को क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये मोटर का कहानी हो गया, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिकल मशीन है। वैसे ही कोई जनरेटर होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी सारा चीज़ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर है, वो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन तीन टाइप्स का होता है, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी बताया हुआ है। कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखो, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन को डिफाइन किया है कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा काम करता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑल्सो इंक्लूड विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल मशीन का नाम है ट्रांसफार्मर। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन देखोगे, इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है, आप लोगों को दम चलते फिरते याद रखना है कि तीन टाइप्स का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो तीन टाइप का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, और इन्हीं तीनों टाइप के मशीन पे आप दो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो इन फ्यूचर, कुछ इस सेमेस्टर में पढ़ोगे और कुछ आगे के सेमेस्टर में पढ़ोगे मशीन के बारे में। तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में यही तीन टॉपिक रहता है, इसी का सारा टाइप्स रहता है, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया है। अब देखोगे, पहला मशीन होता है मोटर, दूसरा होता है जनरेटर, और तीसरा ट्रांसफार्मर। तीन तरह का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, आज के बाद हमेशा याद रखोगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो यू कैन से डेट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, वन इज कॉल्ड मोटर, सेकेंड इज कॉल्ड जनरेटर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड
ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब भाई देखोगे ये जो मोटर होता है ये, इसका क्लासिफिकेशन हमने एसी डीसी के बेसिस पे किया हुआ है। आप लोगों को बेसिक तो पता ही होगा एसी क्या होता है डीसी क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है एक तरह का मोटर जिसको एसी मोटर बोलते हैं, दूसरे को डीसी मोटर बोलते हैं, और इस सेमेस्टर में हम लोगों को डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दो तरह का मोटर हो गया, एसी मोटर और डीसी मोटर। अब एसी मोटर का भी दो टाइप्स होता है, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, जो कि आगे के सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में, ये पूरा सेक्शन जो है ये फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक हो गया, ठीक है। और डीसी मोटर जो है ये ब्रशलेट डीसी मोटर होता है, और ब्रश डीसी मोटर होता है जिसके अंदर में कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है, और दूसरा होता है ब्रशलेस डीसी मोटर जिसमें कोई भी ब्रश नहीं लगा हुआ होता। इसी सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जनरेटर दो टाइप्स का होता है, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, ये टॉपिक और ये टॉपिक आप लोगों को इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में ऑब्वियसली आप लोगों को डीसी जनरेटर पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में डीसी मोटर पढ़ना है। और अब समझ में, तो ये मोटर हो गया, ये जनरेटर हो गया, और तीसरा होता है ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर के भी टाइप्स होते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्या सर ट्रांसफार्मर का भी टाइप्स होता है क्या? बिल्कुल होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारा टाइप्स लिखना पॉसिबल नहीं होता है। बट एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे मोटर को हमने एसी और डीसी में क्लासिफाई किया, जनरेटर को भी हमने यहाँ पे एसी और डीसी के फॉर्म में क्लासिफाई किया, वैसे हम ट्रांसफार्मर को एसी डीसी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता, ओनली एसी ट्रांसफार्मर होता है। हाँ, क्लासिफिकेशन का बेसिस बहुत अलग अलग होता है। अगर बेसिस इसका क्लासिफिकेशन बताने लगे तो ये जगह छोटा पड़ जाएगा। जब मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाऊंगा थर्ड यूनिट में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर बस एसी ट्रांसफार्मर होता है, और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डीसी मोटर एसी डीसी के फॉर्म में होता है, जनरेटर एसी डीसी के फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर एसी डीसी के फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ एसी के फॉर्म में होता है। चलिए अब हम लोग वन बाई वन मोटर ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर और ट्रांसफार्मर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी ज्ञान लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डीपली जाएंगे। जब टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे। देखो हमने यही बताया, जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है ये दो तरह का यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक में हमने लिखा है इलेक्ट्रिकल मोटर, यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा है, दूसरे साइड में मैकेनिकल एनर्जी लिखा है। देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको मोटर बोलते हैं, एरो हेड इधर की तरफ है, यानी कि बोला जा रहा है कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको मोटर बोलते हैं, और दूसरा एरो इधर के तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दो मिनट पेशेंस रख लो, जनरेटर को और अच्छे से बताने वाले हैं। फिलहाल चलते फिरते ये डायग्राम याद रखोगे तो मोटर और जनरेटर कभी भी डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कर लोगे। एसी डीसी का क्या कॉन्सेप्ट है, एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, पेशेंस रखिए, आगे धीरे धीरे हम बताएंगे। अभी थोड़ा बेसिक लेके चल रहे हैं, बेसिक पे ही रहने दीजिए। चलिए आते हैं मोटर के बारे में। हमने लिखा है मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी जस्ट आप लोगों को हमने बताया कि मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये मोटर का है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट क्या देते हैं, इधर से आप इनपुट क्या दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या दोगे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इनपुट दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका ये शाफ्ट होता है, इस पे ये रोटेशन देता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तेजी से घूमता है, और इसी रोटेशन को ये रोटेशन देता है, घूमता है तेजी से, इसी रोटेशन को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और इस रोटेशन को अलग अलग काम में लिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल याद रखो कि मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपके घर में भी मोटर होगा, पंखा तो होगा ही, बेस्ट एग्जांपल है। हमारे घरों में टुल्लू पंप होता है, पानी को जमीन से खींच के टंकी में पहुंचाने वाला, वो भी मोटर है, ठीक है। बहुत लोग उसको पंप भी बोलते हैं, वाटर पंप भी बोलते हैं, बेसिकली वो मोटर है, पानी को खींचता है और पानी को खींच के टंकी में पहुंचाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे हमारे घर में किचन में ग्राइंडर एंड मिक्सर होता है, चटनी पीसने के लिए या किसी भी लहसुन पीसने के लिए, धनिया पीसने के लिए, जो भी
वट एवर, ठीक है, या जूस बनाने के लिए, तो वो भी मोटर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो देखना उसके पुल्ली में यानी कि शाफ्ट में ब्लेड लगा हुआ रहता है। अब उसके अंदर में जो भी सामान उसके बर्तन में रखोगे तो उसको कटिंग करने का काम करता है, पीसने का काम करता है, ठीक है। तो वो भी एक हमारा मोटर है, यानी कि ग्राइंडर एंड मिक्सर में भी मोटर लगा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया ब्लॉक डायग्राम से कि भाई ये जो मोटर होता है इसको इनपुट क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। यहाँ पे देखो हमने ऐसे एरो बना के बताया हुआ कि ये रोटेशन प्रोवाइड करता है। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनरेटर के बारे में। यहाँ पे एसी डीसी मोटर, एसी डीसी जनरेटर का बात नहीं हो रहा, सिंपली मोटर और जनरेटर का बात हो रहा है। चाहे एसी मोटर हो डीसी मोटर हो, सबका यही कहानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो डीसी होगा तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, फाइनली मैकेनिकल एनर्जी ही वो देगा। अगर एसी मोटर होगा तो उसको एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होगा। देखो मोटर एसी हो या डीसी, ये आउटपुट उसका कॉमन होता है, ठीक है। वैसे ही जनरेटर का भी हाल है। देखो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा समझने में। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे आसपास वो डिवाइस कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में शादी रहता है तो हम लोग जनरेटर भाड़ा पे लेके आते हैं, कुछ लोगों के घर में ही जनरेटर होता है, ठीक है। तो जनरेटर करता क्या है, जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जनरेट करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। चाहे वो कोई भी जनरेटर हो, छोटा वाला जनरेटर जो शादी ब्याह में लाते हैं, जेनसेट जो होता है जिसको साइलेंट जनरेटर भी बोला जाता है, जो हॉस्पिटल में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में या बड़े बड़े ऑफिसेज में लगा रहता है, पावर सप्लाई के लिए लाइन कट गया तो जेनसेट को ऑन कर दिया जाता है। हो सकता है आप लोग के कॉलेज में भी लगा हो, है ना, तो वो भी एक जनरेटर है। जनरेटर कोई भी हो, एसी हो या डीसी हो, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही बात यहाँ पे हमने लिखा है, ए जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, यहाँ पे इनटू लिखोगे, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ब्लॉक डायग्राम से समझिए, सपोज डेट ये जनरेटर है तो इसको क्या करते हैं भाई, इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, रोटेशन दिया जाता है। हमेशा याद रखिए, रोटेशन को ही क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब देखोगे इसका मोटर का जो आउटपुट था जनरेटर का इनपुट है, समझ में आ रहा है, मोटर का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, ठीक है। तो ये जब इसको रोटेशन दोगे तो ये हम लोग को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देता है। ये एक छोटा सा हमने मोटर लगा, जनरेटर लगाया हुआ है। अलग अलग शेप साइज का जनरेटर होता है, आगे के क्लास में देखने के लिए भी मिलेगा। इसको इनपुट के रूप में हम लोग क्या देंगे, इनपुट क्या देंगे, इसके पुल्ली को किसी चीज़ से घुमाया जाता है यानी कि रोटेशन दिया जाता है। इनपुट क्या दिया जाएगा, रोटेशन। यहाँ से तार दो निकला हुआ रहेगा और ये तार से क्या बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा, ठीक है। हमारे घरों में शादी होता है तो हम लोग जो जनरेटर भाड़ा पे लाते हैं वो किसके लिए लाते हैं, कि भाई लाइन कट जाए या इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफार्मर, ये थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या कहना है यार, आप लोग देखे हो गए, देख सकते हो यहाँ पे, ये भी अलग अलग शेप साइज का होता है। बहुत पढ़ना है इस सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में, जितना पढ़ोगे उतना आपको फायदा करेगा, ठीक है, तबीयत खराब नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये आप लोग देखे होंगे, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ रहा है उसमें इसका बहुत रोल है। आपके गांव घर में आसपास में ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, इवन आप जो मोबाइल चार्जर यूज करते हो उसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके अंदर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पावर सिस्टम जो है जिसके थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर वर्ड जो है ना ये ट्रांसफर से बना है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब होता है भेजना एक जगह से दूसरे जगह, ट्रांसफार्मर मतलब भेजने वाला, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है उसी को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ये तो बहुत बच्चा वाला डेफिनेशन है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल पावर को चेंज करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, लेकिन पावर के वैल्यू को और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, ये तो बस एक पॉइंट है, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं इसलिए,
ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम 10-12 पॉइंट लिखाएंगे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में भी लिखाएंगे, ये क्या क्या काम करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, करेंट को कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी उतना पे नहीं जाना है। तो ओवरऑल बस समझिए कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, यानी कि इसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और इसका आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और ये दोनों एसी के ही फॉर्म में होता है क्योंकि ये प्योर एसी मशीन है। आया बात समझ में? ओनली ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, पावर भी नहीं चेंज करता। तो पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, अभी देखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ट्रांसफार्मर डू नॉट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे फॉर्म होगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू, यहाँ पे इनटू होगा, इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये कन्वर्ट नहीं करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ये सिंपली ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही फॉर्म में रखता है। बट जो मोटर और ट्रांसफार्मर होते हैं दे आर कन्वर्टेड द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या दे आर चेंजेज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ए मोटर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल ए जनरेटर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन क्या ट्रांसफार्मर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज करता है क्या? नहीं करता है, याद रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को और टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको लेके चलूँगा। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन वन जिसका इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर नाम है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।